नादिर खान के जाने के बाद मुझे अच्छा मौका मिल गया था कि उन मुलाज़िम मियाँ बीवी का बयान भी ले लूँ। विलायत बीबी मिसर थी कि वो अपनी बीबी जी को तनहा छोड़कर मुझे किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं देगी, लिहाजा मैंने उसे इस बात पर आमादा कर लिया कि वो उस कमरे का दरवाज़ा खोल ले जहाँ शकीला बेखबरी की नींद सो रही थी, और मैं कुर्सी डालकर उसके करीब ही कमरे से बाहर बैठ जाता हूँ। ग़ुलाम हुसैन को भी मेरी तजवीज़ पसंद आई और वो भी मेरे नज़दीक ही बैठ गया। मैंने पूछ-गुछ के सिलसिले का आगाज़ ग़ुलाम हुसैन से ही किया। ग़ुलाम हुसैन की उम्र लगभग 40 साल रही होगी, रंग गंदमी, कद दरमियाना और जिस्म माइल बा फरबही। उसने खासी सेहतमंद मूछें पाल रखी थीं। इस बात का तذکرہ किया जा चुका है कि वो एक बे औलाद जोड़ा था। ग़ुलाम हुसैन और उसकी बीवी विलायत बीबी को मुतवफ़ी कादिर ख़ान के पास मुलाज़मत करते हुए 5 साल हो गए थे। घर का सारा काम काज उन्होंने मिल बाँट कर अपने ज़िम्मे ले रखा था। ग़ुलाम हुसैन ड्राइविंग करता था, घर में मौजूद पौधों की देखभाल करता था, और सौदा सलफ लाना भी उसी के फ़राइज़ में शामिल था। उसकी बीवी सफाई सुथराई और धुलाई के अलावा खाने पकाने के दौरान शकीला का हाथ बटाती थी, और दीगर ऊपर के छोटे मोटे काम भी उसी के ज़िम्मे थे। मैंने 10 मिनट तक घुमा फिरा कर ग़ुलाम हुसैन से मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन काम की कोई बात सामने ना आ सकी। गुज़िश्ता रात वो हसबे मामूल 9 बजे के करीब सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया था और जल्द ही उसे नींद भी आ गई थी। फिर उसकी आंख विलायत बीबी के जगाने पर ही खुली। बीवी ने बड़े घबराए हुए अंदाज़ में उसे इत्तला दी थी कि ऊपर बीबी के कमरे में आग लग गई है। उसके बाद ही वो दोनों मिलकर नादिर खां को जगाने गए थे, और आखिरकार वो तीनों जीने के रास्ते घर की बालाई मंजिल पर जा पहुँचे थे। ग़ुलाम हुसैन के बयान में ऐसी कोई बात नहीं थी जो मुझे पहले से मालूम ना हो, लिहाजा मैंने उसे फारिग कर दिया। अब विलायत बीबी की बारी थी, मैं उसके जानिब मुतवज्जा हो गया। विलायत बीबी की उम्र का अंदाज़ा मैंने 35 साल के करीब लगाया। वो गहरे सांवले रंग की एक पस्ता कामत औरत थी। उसके हाथ बहुत छोटे छोटे और पिल पिले से थे। आंखों में बड़ी तेज़ी और तर्रारी पाई जाती थी। उसके बालों को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वक्त से पहले सफ़ेद हो जाने वाले सर को उसने खिजाब के पर्दे में छुपा रखा है। ग़ुलाम हुसैन किसी काम से उठकर कहीं चला गया तो मैंने विलायत बीबी का इंटरव्यू शुरू कर दिया। तुम लोगों को इस घर में काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? इस घर में आए हुए तो अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, विलायत बीबी ने जवाब दिया। पहले हम मॉडल कॉलोनी वाले घर में रहते थे, कादिर खान के पास मुलाजिम हुए हमें कोई 5 साल हो गए हैं। मुझे पता चला है कादिर खान ने दूसरी शादी कर रखी है, मैंने कुरेदने वाले अंदाज़ में कहा। नादिर ने मुझे बताया है कि शकीला उसकी सौतेली माँ है। क्या नादिर खान की सगी माँ भी जिंदा है? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। नादिर खान की सगी माँ का नाम साबिरा बेगम था। जब हम मॉडल कॉलोनी वाले घर में थे तो उसका इंतकाल हो गया था। ये कोई 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है। वो लम्हा भर को रुकी, फिर अफसोसनाक अंदाज में इजाफा करते हुए बताया, बेचारी बहुत अच्छी औरत थी। आखिरी दिनों में उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा था, हर वक्त पागलों की तरह इधर उधर घूमती रहती थी। फिर एक रोज़ मकान की छत से नीचे गिर गई और वहीं फर्श पर पड़े पड़े उसने जान दे दी। आह, कितनी हसरतनाक मौत हुई थी उसकी भी। विलायत बीबी एकदम अफसरदा हो गई। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि वो मरहूमा साबरा बेगम से गहरी जज्बाती वाबस्तगी रखती थी। विलायत बीबी की ज़बानी जो हालात मेरे इल्म में आ रहे थे वो खासे दिलचस्प और इनकशाफ अंगेज़ थे। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए उससे पूछा, क्या कादिर खान ने साबरा बेगम की ज़िंदगी ही में दूसरी शादी कर ली थी? जवाब देने से पहले उसने लम्हा भर सोचा, फिर बोली, मेरा तो ख्याल है कि साहब जी ने बड़ी बीबी जी की मौत से पहले ही छोटी बीबी से शादी कर रखी थी, लेकिन छोटी बीबी जी हमारे घर में बड़ी बीबी जी की मौत के बाद ही आई हैं। ओ, मैंने चौंक कर उसकी तरफ़ देखा, फिर नहायत ही राजदाराना अंदाज में इस्तफसार किया, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में साबरा बेगम को अपने शोहर की दूसरी शादी का इल्म हो गया था, और शायद उसकी दिमागी सेहत भी उसी सबब खराब हुई थी। जी जी मेरा भी यही ख्याल है, उसने चौकन्ना नज़र से बिस्तर पर सोई हुई शकीला की तरफ देखने के बाद कहा। मैंने पूछा, इसका मतलब है कादिर खान ने अपनी दूसरी शादी को खुफिया रखने की कोशिश की थी? ऐसा अक्सर देखने में आया है कि मर्द छुपकर दूसरी शादी कर लेते हैं और उस शादी को एक राज की तरह रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह राज अफशा होता है तो बड़ी तबाही मचती है। मुझे यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। हालात से तो यही अंदाज़ा होता है, उसने गोलमोल जवाब दिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, नादिर खान ने मुझे बताया है वो सिर्फ 2 बहन भाई हैं,
फिरदौस उससे बड़ी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने शोहर और बच्चों के साथ उधर मोहल्ला इस्लामपुरा में रहती है, जबकि गैर शादीशुदा नादिर खां अपने बाप के साथ इसी कोठी में रह रहा है। ज़रा सोच कर बताओ, मैं सांस लेने के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, नादिर खां और फिरदौस ने कादिर खां की दूसरी शादी पर क्या रद्द अमल जाहिर किया था? आतिशजदगी वाले इस पुर इसरार वाक्य ने मेरे जहन में खुदबुद मचा रखी थी और एक सोच रफ्ता रफ्ता पुख्तगी इख्तियार करती जा रही थी कि ये वाक्या किसी गहरी साजिश का नतीजा है। इस नामालूम साजिश और साजिश को बेनकाब करने के लिए इस ख़ानदान के पसे मंज़र से आगाही नहायत ही ज़रूरी थी। मैं विलायत बीबी को इसी सिलसिले में धीरे धीरे कुरेद रहा था। वो ठहरे हुए मगर धीमे लहजे में बोली, फिरदौस की शादी को 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब तो माशाल्लाह उसके 3 बच्चे भी हैं। उसने जब सुना कि साबरा बेगम के इंतकाल के बाद बाप उनके लिए सुतेली मां ले आया है तो वो बहुत चीखी चिल्लाई। उसके खामिन ने भी अपने ससुर के इस अमल पर शदीद एहतजाज किया। फिरदौस घर पर आकर ना सिर्फ ये कि कादिर खां से खूब लड़ी थी, बल्कि उसने छोटी बीबी जी को भी खरी खरी सुना डाली थी। बाप अपनी नई नवेली बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका और जवाब में फिरदौस को खूब डांट पिलाई, जिसके नतीजे में फिरदौस नाराज़ होकर अपने घर चली गई। वो लम्हा भर को सांस लेने के लिए रुकी और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, वक्त हर जख्म का मरहम है थानेदार साहब। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के हालात ठीक हो गए। कुछ अरसे के बाद बाप ने जाकर बेटी को मना लिया और फिरदौस बीबी राजी भी हो गई। उसकी सगी माँ तो बाकी नहीं रही थी। सोचा होगा बाप भी कहीं हाथों से ना निकल जाए, लिहाजा सुलह सफाई कर ली। वो तो ठीक है, मैंने विलायत बीबी के खामोश होने पर कहा, लेकिन तुमने नादिर खां के रवैये के बारे में कुछ नहीं बताया। वो रफ्ता रफ्ता मुझे बड़ी अहम मालूमात फराहम कर रही थी, मगर मैंने एक बात ख़ास तौर पर महसूस की कि उसका अंदाज़ एहतियात लिए हुए था। वो बात करने के दौरान कन अखियों से शकीला की तरफ भी देख लेती थी, जैसे खदशा हो कि वो उसकी बातें ना सुन ले, और कभी वो बाहर की जानिब भी देख लेती थी जिधर उसका शोहर गुलाम हुसैन गया था। मैं विलायत बीबी की नफ्सियात को अच्छी तरह समझ गया था। वो शकीला को अपनी मालकन तो समझती थी, लेकिन उससे खौफज़दा भी दिखाई देती थी। मैं उसकी तरफ मुंतजर निगाह से देख रहा था। वो मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोली, नादिर खान ने भी शुरू में बहुत वावेला मचाया था, लेकिन फिर ठंडा हो गया। यही महसूस होता था छोटी बीबी जी ने उस पर कोई जादू शादू कर दिया हो। जादू? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। थानेदार साहब, उसने चौकन्नी नज़र से सोई हुई शकीला की तरफ देखा, फिर आवाज़ दबा कर बोली, छोटी बीबी जी बहुत तेज़ और हुनर वाली हैं, मर्दों को राम करना तो उनके उल्टे हाथ का खेल है। वो बोलते बोलते रुक गई, फिर मिन्नत रेज़ लहजे में मुझसे कहा, देखें जी थानेदार साहब, आप ये बातें किसी को नहीं बताएंगे। अगर बीबी जी को पता चल गया कि मैंने उनके बारे में आपको कुछ बताया है तो वो मुझे ज़िंदा ही ज़मीन में दबा देंगी। बात ख़त्म करने के बाद वो सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने एक फ़ैसले पर पहुंचने के बाद कहा, विलायत बीबी तुम ज़रा कमरे से बाहर आओ। जी? वो हैरत से मेरी जानिब देखने लगी। मैंने कहा, तुम बाहर तो आओ, फिर बताता हूँ। मेरे लहजे में कुछ ऐसा तहकम और मजबूती थी कि वो ज़बान से एक लफ्ज़ निकाले बगैर कुर्सी से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। मैंने बड़ी सूरत से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और एक खाली कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, गुलाम हुसैन थोड़ी देर पहले इसी कुर्सी से उठकर गया था, इधर बैठ जाओ और बेफिक्र होकर मुझे सारी बात बताओ, तुम बहुत काम की बातें करती हो। वो जी, अगर बीबी जी उठ गई तो कुछ नहीं होगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। अव्वल तो उसके जागने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और बाफर्ज़ महाल उसकी आँख खुल भी गई तो जाहिर है वो तुम्हें या किसी और को आवाज़ देगी, तुम उसकी आवाज़ पर लपक कर कमरे के अंदर पहुँच जाना। मैं लम्हा भर को रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम शकीला के हवाले से कोई नहायत ही अहम बात मुझे बताने वाली हो, और तुम्हें यह धड़का भी लगा हुआ है कि कहीं वो तुम्हारी बातें ना सुन ले। अब यहाँ इत्मीनान से बैठकर तुम मेरे सवालों के जवाब दो। उसने हिरासा अंदाज में बाहर की जानिब देखते हुए कहा, अगर नादिर खान ने मुझे यहाँ बैठे देख लिया तो नाराज़ हो जाएगा, उसने तो मुझे बीबी जी की देखभाल पर मुकर्रर कर रखा है। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, तुम्हें नादिर खान की फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वो गाड़ी में गया है और डॉक्टर को भी लेकर ही वापस आएगा, और कोठी के अंदर कदम रखने से पहले ही हमें उसकी आमद का पता चल जाएगा। जब ऐसा मौका आएगा तुम यहाँ से उठकर अपनी छोटी बीबी के पास कमरे में चली जाना। मैंने उसे एक बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया था, उसे फरार का कोई रास्ता दिखाई ना दिया
तो वो ना पाए फितन ना जाए मानदन की अमली तफसीर नज़र आने लगी। वो एकदम कुर्सी पर ढह सी गई और थूक निगलने वाली गहरी संजीदगी से बोली, थानेदार साहब, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ विलायत बीबी, मैंने उसे दिलासा दिया। इस सिलसिले में तुम पूरी तरह मुतमईन हो जाओ। ये मेरा तुमसे वादा है कि किसी के सामने तुम्हारा जिक्र नहीं करूँगा। अब तुम एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मुझे बताओ, तुम शकीला के हवाले से मुझे क्या बताने वाली थी? वो बात तो मेरे जहन ही से निकल गई। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोली, मैंने कहा खामखा माथा नहीं पीटो विलायत बीबी, मैं बताता हूँ तुम मुझे क्या बताने जा रही थी। फिर मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसके अल्फाज दोहराए, छोटी बीबी जी बहुत तेज़ और हुनर वाली हैं, मर्दों को राम करना तो उनके उल्टे हाथ का खेल है। फिर मैंने इसी तनाजुर में उससे इस्तफसार किया, विलायत बीबी, पहले तुमने कहा कि शकीला ने नादिर खां पर कोई जादू शादू करके उसकी ज़बान बंद कर दी थी, फिर तुमने उसे बड़ी तेज़ और हुनर वाली बताया, और आखिर में ये जिक्र भी किया कि ये मर्दों को बड़ी आसानी से राम कर लेती है। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारी इन बातों के पीछे कोई बहुत ही पुरेसरार कहानी छुपी हुई है। बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? विलायत बीबी ने लम्हा भर को सोचा, फिर ठहरे हुए लहजे में बताने लगी, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है जी कि बड़े खां साहब को कोठे पर जाने का शौक था, छोटी बीबी को उन्होंने वहीं पसंद किया था। यूं कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि छोटी बीबी ने खां साहब को फांस लिया था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बेइख्तियार मेरी ज़बान से फिसल गया। विलायत बीबी, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी इस छोटी बीबी शकीला का ताल्लुक उस बाजार से है? कभी था जनाब, वो ठोस लहजे में बोली, लेकिन बड़े खां साहब से शादी के बाद उसने अपनी पिछली ज़िंदगी को बिल्कुल तर्क कर दिया था और एक शरीफजादी की तरह घर में रह रही थी। अब उनको कोठे वाली कहना बिल्कुल गलत होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ। शकीला ने बाजारी ज़िंदगी को छोड़कर घरेलू रहन सहन अपना लिया है, लेकिन तुम्हारी जादू शादी वाली बात की अभी तक वजाहत नहीं हुई। वो तो जनाब मैंने ऐसे ही कह दिया था, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। कोई बात ऐसे ही ख्वामखा तो नहीं की जाती ना, तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही हो विलायत बीबी। बात ख़त्म करते ही मैंने तेज़ नज़रों से उसे घूरा, वो घबरा गई और जल्दी से बोली, आप मुझ पर शक ना करें थानेदार साहब, मेरे कहने का मकसद ये था कि बड़े खां साहब छोटी बीबी जी की अदाओं पर रीझ गए थे, उसे मर्दों के दिल को काबू करना आता है। जब वो साबरा बेगम के इंतकाल के बाद एक मालकन की हैसियत से इस घर में आई तो छोटे खां साहब ने बहुत एहतजाज किया था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उनका एहतजाज दम तोड़ गया और वो छोटी बीबी के साथ बड़े सलूक से रहने लगे। उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि छोटी बीबी ने अपनी अदाओं और हुनर से छोटे खां साहब को भी मुट्ठी में ले लिया था, वरना फिरदौस बीबी तो एक तवील अरसे तक बड़े खां साहब से रूठी रही थी, हत्ता कि खां साहब को खुद उसके पास जाकर उसे मनाना पड़ा था। वो रुक कर अपनी सांस हमवार करने लगी, फिर कहा, बस जी इतनी सी बात है। वो इतनी सी बात कहकर खामोश हुई तो मैं गहरी सोच में डूब गया। या तो वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझ पर किस तरह अपनी बात को वाजिया करे, या फिर वो दानिस्ता मुझसे कुछ छुपाना चाह रही थी। बहरहाल उसने शकीला और नादिर खान के हवाले से मुझे जो कुछ भी बताया था मैंने उसे अपने जहन में महफूज कर लिया। मेरे लिए बस इतना सा इशारा ही काफ़ी था, बाकी मैं नादिर खान को कुरेद कुरेद कर रही सही कसर पूरी कर लेता। उसी लम्हे बाहर से किसी के कदमों की मखसूस आवाज़ उभरी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो गुलाम हुसैन के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। इस दौरान कमरे के अंदर किसी किस्म की कोई आवाज़ पैदा नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि शकीला हनूज़ गहरी बेहोशी जैसी नींद में डूबी हुई थी। कदमों की चाप विलायत बीबी ने भी सुन ली थी। वो कुर्सी से उठते हुए बोली, उसके बोल मेरे अंदाजे की तस्दीक में थे, लगता है गुलाम हुसैन वापस आ गया है। मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए मशवरा देने वाले अंदाज में उससे कहा, तुम शकीला वाले कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर चली जाओ। उसने पलक झपकते में मेरे हुक्म की तामील की और हम एक मर्तबा फिर पहले वाली पोजीशन में आ गए। जब गुलाम हुसैन हमारे करीब पहुंचा तो मैं विलायत बीबी से पूछ रहा था, वो बाथरूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगने वाला मामला क्या था? थानेदार साहब, वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, सोने से पहले रात को मैंने चाय पी ली थी, लिहाजा पेशाब की गर्ज से मुझे नींद में से उठना पड़ा। मैं अपने बाथरूम से फारिग होकर निकली और अभी बिस्तर पर जाकर लेटी ही थी कि छोटी बीबी जी की तेज़ चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त गुलाम हुसैन बेखबर सो रहा था। मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई।
वो रात का आखिरी पहर था और बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था बीबी जी को हो क्या गया है। मैं सहन में खड़ी अपने जहन को उलझा रही थी कि बीबी जी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो किसी नामुराद को कोस रही थी जिसने उनके बाथरूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी थी। वो रुकी और एक गहरी सांस ली और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं भागकर उस बाथरूम के पास पहुंची जिसके अंदर से बीबी जी की गुस्से भरी आवाज़ आई थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे का जायज़ा लिया और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि बाहर की कुंडी तो खुली हुई थी, फिर बीबी जी को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा दी है। मैंने उन्हें बताया कि कुंडी तो खुली है। उन्होंने बरहमी से कहा, फिर ये बदबخت खुल क्यों नहीं रहा। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो दरवाजे के पीछे से हट जाएं, मैं बाहर से धक्का मारती हूँ। वो एक तरफ हटते हुए अंदर से बोली, मारो धक्का। मैंने धक्का मारा और दरवाज़ा खुल गया। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल की तरफ चली गईं। यहाँ तक बताने के बाद वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ़ हुई, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि एक मर्तबा फिर उनके चिल्लाने की आवाज़ आई। इस बार वो आग आग पुकार रही थी। उसके बाद विलायत बीबी ने मुझे बताया कि उसने किस तरह अपने खाविन को जगाया। फिर वो और उसका खाविन गुलाम हुसैन सीधे नादिर खां के पास पहुंचे, उसे सोते में से जगाया और इत्तला दी कि ऊपर वाली मंजिल में आग लग गई है। वो तीनों देखते ही देखते बालाई मंजिल पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए। ये अलग बात कि उनकी इस कोशिश से पहले ही आग ने अपना काम कर दिखाया था। विलायत बीबी अपना बयान मुकम्मल करके खामोश हुई तो गुलाम हुसैन ने उसकी बयान करदा बातों की पुरजोर तायद कर दी। उनमें से बहुत सारी बातें मुझे पहले ही नादिर खां की ज़बानी मालूम हो चुकी थी। गोया सिलसिला तफ्तीश कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका था। मैं चंद लम्हा तक गौर व फिक्र करता रहा, फिर विलायत बीबी से इस्तफसार किया, क्या तुम्हें मालूम है शकीला बाथरूम जाने के लिए कब ऊपर से आई थी? नहीं जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तो तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि वो बाथरूम के अंदर कितनी देर तक मौजूद रही थी। वाकई मुझे इस बारे में भी कोई इल्म नहीं, वो सादा से लहजे में बोली। मुझे तो उस वक्त पता चला कि वो बाथरूम में है जब उन्होंने दरवाज़ा पीट कर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। वो सांस दुरुस्त करने के लिए रुकी, फिर इजाफा करते हुए कहा, हमारा बाथरूम और बीबी जी वाला बाथरूम ऐसे जाविये पर वाकिया हैं कि एक बाथरूम के पास खड़े होकर दूसरा बाथरूम दिखाई नहीं देता। वरना जिस वक्त वो अपने बाथरूम में जा रही थी तो मुझे बीबी जी के बाथरूम का बंद दरवाज़ा और अंदर जलती हुई लाइट को देखकर पता चल जाता कि उस बाथरूम में कोई मौजूद है। विलायत बीबी की इस वजाहत में मुझे बड़ा वज़न महसूस हुआ। वो तकनीकी एतबार से एक खुली हकीकत का इजहार कर रही थी। मैंने घूम फिर कर इस कोठी की बालाई और जेरी दोनों मंजिलों का बड़ी अच्छी तरह जायज़ा लिया था। वाकई मुलाजमीन वाला बाथरूम और मालकान के बाथरूम्स, कादिर खां और नादिर खां के दोनों बाथरूम्स एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में वाकया थे। शक तफ्तीश की बुनियाद है, उसके बगैर कार्रवाई को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं होता। मगर ख्वामखा का शक हमेशा गुमराह करता है और तफ्तीश की गाड़ी को गलत रुख पर डालकर मंजिल से दूर ले जाता है। दुरुस्त सिमत में तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए किसी ऐसे शक को बुनियाद बनाना चाहिए जिसमें वाकयाती माकूलियत और शवाहदी मंतक ज़रूर मौजूद हो। आतिश जदगी वाला ये वाकया मुझे एबनॉर्मल महसूस होता था। अब तक हालात व वाकयात को जिस अंदाज में मेरे सामने बयान किया गया था उसकी रोशनी में मुझे नज़र आता था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। क्या गड़बड़ है यही मुझे तलाश करना थी। इस कोठी में कुल 6 अफराद रिहाइश पजीर थे, जिनमें से 2 को तो आग ने जलाकर कोयला बना दिया। उनकी लाशें पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हस्पताल भिजवा दी गई थीं। वो दोनों चूंकि जान से हार गए थे लिहाजा कहा जा सकता था आतिशजदगी के इस वाकये में उनका कोई हाथ नहीं होगा। कोई खुद को फना करने के लिए ख्वामखा इस किस्म की मोहलिक साजिश नहीं करता। बाकी बचते थे 4 अफराद, गुलाम हुसैन, उसकी बीवी विलायत बीबी, नादिर खान और उसकी छोटी अम्मी शकीला। गुलाम हुसैन और विलायत बीबी को भी मैंने घिस घिसा कर देख लिया था। उनकी ज़ात शकूक व शुभात से बाला तर नजर आती थी। वैसे भी उनके पास ऐसा कोई जवाज़ या वजह नहीं थी कि वो कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए कादिर खां और उसके मासूम बच्चे जिब्रान खान को एक गहरी साजिश के तहत मौत के मुंह में धकेल देते। मेरे शक का दायरा फिलहाल शकीला और नादिर खान को अपने हिसार में बंद करने की कोशिश कर रहा था। नादिर खान से मैंने खासी तवील पूछ गुछ की थी लेकिन शकीला से बात करने का अभी तक मौका नहीं मिल सका था।
वो इस काबिल नहीं थी कि मैं उसे कोई सवाल जवाब कर सकता, चुनाचे मुझे उसके होशो हवास में आने का इंतज़ार करना था। एक सवाल काफ़ी देर से मेरे जहन में कुलबुला रहा था। नादिर ख़ान ने इस सिलसिले में जो वजाहत पेश की थी, मैं पूरी तरह उससे मुतमईन नहीं था। लिहाजा अपनी तसल्ली की खातिर मैंने विलायत बीबी और उसके खामिन गुलाम हुसैन से पूछ लिया, क्या आप लोग आतिश जदगी की इत्तला पाते ही नादिर ख़ान को बताने चले गए थे या फिर बाहमी सलाह मशवरे में कुछ वक्त ज़ाया किया था? नहीं जनाब, हमने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया, गुलाम हुसैन ने जवाब दिया। जैसे ही विलायत ने मुझे जगा कर बताया कि ऊपर वाली मंजिल में आग लग गई है, मैं उसे साथ लेकर नादिर ख़ान को बताने चला गया था। और उधर भी हमने एक लम्हा बर्बाद नहीं किया, विलायत ने बताया। दरवाज़ा खटखटा कर हमने नादिर ख़ान को उठाया और फिर हम तीनों ऊपर वाली मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। टाइम की मैचिंग के सिलसिले में मैं जो गड़बड़ महसूस कर रहा था, उसका हिसाब नहीं मिल रहा था। मेरा जहन किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि एक शख्स को बाथरूम के मामलात से निमटने के लिए जितना वक्त दरकार होता है, उसी मुद्दत में किसी कमरे में भड़कने वाली आग आनन-फानन सब कुछ जलाकर हत्ता के दो इंसानों को कोयला बनाकर रख सकती है। मैंने मुश्तरका तौर पर उन दोनों से सवाल किया, जब आप लोग नादिर खान को उस वाक़े की इत्तला देने गए थे तो वो फौरन बेदार हो गया था या उसने उठने में काफ़ी देर लगाई थी? मैं ये जांचने की कोशिश कर रहा था कि आया इन आफती लम्हात में नादिर खान अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था या जाग रहा था। विलायत बीबी ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, थानेदार साहब, छोटे खान साहब को जगाने के लिए हमें काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, फिर कहीं जाकर उनकी आंख खुली थी। वो गहरी नींद से उठे थे और आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला था। हमने उन्हें ऊपर वाली मंजिल पर लगने वाली आग के बारे में बताया तो वो फौरन हमारे साथ हो लिए। मैंने मायनी खेज अंदाज में हंकारा भरा और गहरी सोच में डूब गया। उसी वक्त नादिर खान किसी डॉक्टर को लेकर वापस आ गया। डॉक्टर ने कमरे में आने के बाद बेहोश पड़ी शकीला का तफसीली मुआयना किया। उसके अंदाज और हरकतों सकनात से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दिक्कत महसूस ना हुई कि वो एक तजर्बाकार क्वालिफाइड डॉक्टर था। उसका नाम डॉक्टर कदीर मालूम हुआ। वो एक जानिबदार और पुरतासुर शख्सियत का मालिक था। 15-20 मिनट के बग़ौर चेकअप के बाद उसने माहिराना अंदाज में ऐलान किया, ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तनफ्फुस नॉर्मल है, ताहम गहरी बेहोशी किसी कैफियत के दौरान सांस मद्धम हो गई है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। रास्ते में नादिर खान ने मुझे इस वाक़े के बारे में तफसीलन बताया है। मेरा ख्याल है इस सदमे ने इनके दिमाग पर बुरा असर डाला है। बहरहाल, वो जुमला अधूरा छोड़कर अपने बैग की जानिब बढ़ा, फिर मेडिकल एमरजेंसी बैग को खोलते हुए बोला, मैं इनको एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, इंशाल्लाह 2-3 घंटे के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। नादिर खान ने तश्वीश भरे लहजे में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसी वैसी परेशानी वाली बात हो तो हम इन्हें अस्पताल ले जाते हैं। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा, वैसे आपकी मर्ज़ी है, ये होश में तो आ जाएंगी ना, विलायत बीबी ने दुख भरे लहजे में पूछा। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ ना, होश में आने के बाद दोबारा इनकी ऐसी हालत तो नहीं हो जाएगी? नादिर खान ने इस्तफसार किया। डॉक्टर कदीर ने शकीला के बाजू में इंजेक्शन लगाने के बाद नादिर खान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे उम्मीद तो यही है कि होश में आने के बाद ये संभली रहेंगी, लेकिन मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस घर में इतना बड़ा सानहा हुआ है कि अगर इन्हें वो सब कुछ याद आता रहा तो दोबारा भी इनकी हालत बिगड़ सकती है। शोहर और मासूम बच्चे की अलमनाक मौत से बड़ा सदमा और क्या हो सकता है? वो बोलते बोलते अचानक रुक गया, फिर सवालिया नज़र से हर एक के चेहरे को देखते हुए मुस्तफसर हुआ, इन्हें किसी किस्म की कोई दवाई वगैरह भी दी गई है? उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। मैं इस्तरारी अंदाज में डॉक्टर कदीर को तकने लगा। विलायत बीबी ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो हमने कोई नहीं दी। इस जवाब से डॉक्टर के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हो गए। नादिर खान ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, डॉक्टर साहब, आप किस किस्म की दवाई की बात कर रहे हैं? नादिर खान ने मेरे मुंह का सवाल छीन लिया था। मैं भी डॉक्टर से यही पूछने वाला था। डॉक्टर ने लम्हा भर को गौर किया, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, जैसे कोई नींद की गोली, कोई सुकून की दवा। नादिर खान ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कदीर, मैंने बराह रास्त डॉक्टर को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि शकीला की गहरी नींद या बेहोशी में किसी दवा वगैरह का भी दखल है? मैं वाज़ह तौर पर या फिर दावे से तो कोई बात नहीं कह सकता थानेदार साहब। वो मेरी आंखों में देखते हुए महज़्ज़ब
मगर पेशा वाराना अंदाज में बोला, लेकिन मेरा तजर्बा और मुशाहिदा मुझे बता रहा है कि इस बेखबरी के पीछे किसी मस्कन या ख्वाब आवर दवा का हाथ भी हो सकता है। बहरहाल अपने प्यारों की अलमनाक मौत का सदमा तो अपनी जगह है ही। आखिरी जुमला डॉक्टर कदीर ने बड़े सरसरी अंदाज में अदा किया था, जैसे खानापुरी के लिए कोई बात कह दी जाए, असल वाक्य के हवाले से उसकी कोई अहमियत या अफादियत ना हो। डॉक्टर के माहिराना इंकशाफ ने मुझे एक नए जाविये से सोचने पर मजबूर कर दिया था। विलायत बीबी और नादिर खां इस बात से साफ इनकारी थे कि शकीला को किसी भी किस्म की कोई दवा दी गई थी। अगर वाकई ऐसी कोई बात होती तो उन्हें इनकार करने की क्या ज़रूरत थी। अब आ जाकर ध्यान शकीला की तरफ ही जाता था। अगर डॉक्टर कदीर का तजर्बा और मुशाहिदा कोई गलती नहीं कर रहा था तो फिर पूरे वसूक से ये कहा जा सकता था, शकीला ने आज खुद नींद की कोई गोली निगल ली होगी। मगर क्यों? ये सवाल मेरे जहन में चकराने लगा, लेकिन फ़िलहाल वहाँ मौजूद अफराद में से कोई भी मुझे इस सवाल का जवाब न दे सका। लिहाजा मैंने उसे अपनी याददाश्त के खाने में महफूज किया और डॉक्टर कदीर से पूछा, शकीला कब तक इस काबिल हो जाएगी कि मैं इसका बयान कलम बंद कर सकूं? जैसा कि मैंने बताया है कि इंजेक्शन लगने के 2-3 घंटे के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, डॉक्टर ने जवाब दिया। नॉर्मल हो जाने का मतलब है ये गुफ्तगू करने के काबिल हो जाएंगी। आप एहतियातन 4 घंटे के बाद इनका बयान ले सकते हैं। मैं पुरमायनी अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश देने लगा। डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया। जाहिर है अब वो वापस जाना चाहता था, लिहाजा नादिर खान ने उसकी तकलीद की और डॉक्टर का एमरजेंसी बैग उठाते हुए बोला, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ कर आता हूँ। नादिर खान ने चूंकि ये जुमला मेरी जानिब देखते हुए अदा किया था, लिहाजा मैंने ही उसे जवाब भी दिया, मैं ASI नज़ाकत शाह की आमद तक यहाँ रुकूँगा, फिर थाने चला जाऊँगा। इंशाल्लाह शाम को दोबारा तुम्हारी छोटी अम्मी का बयान लेने आऊँगा। उस वक्त तक वो होश में आकर नॉर्मल हो चुकी होंगी। मैं लम्हे भर को रुका, फिर तनबीही अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे दोबारा बेहोश नहीं होने देना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुमने डॉक्टर साहब की बात तो तवज्जो से सुनी है ना? उसने जल्दी से असबात में गर्दन हिलाई और बोला, जी हाँ जी हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। डॉक्टर ने बैरूनी दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाते हुए कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इनके लिए अपने क्लिनिक से दवाई भी दूंगा। जब इन्हें होश आ जाए तो वो दवा खिला देना, इससे इनके आसाब और दिलो दिमाग को खासी तकवियत मिलेगी। उसके बाद नादिर खां डॉक्टर कदीर के साथ कोठी से रवाना हो गया। उसकी वापसी से पहले ही ASI अस्पताल से लौट आया। चुनाचे मैं विलायत बीबी और ग़ुलाम हुसैन को अपनी रवानगी के बारे में बताकर नज़ाकत शाह के साथ थाने आ गया।